मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेजी लड़का, मेरा नाम अमृता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दो इजी सैंडविच की रेसिपीज़, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स में आपको बताऊंगी कैसे टेस्टी सैंडविच आप घर पे बना सकते हो। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं इजी सैंडविच की रेसिपी। तो दो तरीके का सैंडविच मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चार वाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मिर्च मेयोनीज लिया है, हरी चटनी ली है सैंडविच की, चाट मसाला लिया है, एक टमाटर इसको गोल 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 टुकड़ों में कट कर लिया है, काकड़ी खीरा जिसको हम बोलते हैं उसको मैंने गोल गोल टुकड़ों में कट कर लिया है, अमूल का यहाँ पे मैंने चीज़ क्यूब लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और अमूल का मैंने यहाँ पे चीज़ का स्लाइस लिया है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बटर लिया है मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ब्रेड के जो कॉर्नर्स होते हैं सख्त वाले, उसको कट कर देंगे। आप चाहे तो इसके साथ भी बना सकते हैं। चारों ब्रेड के कॉर्नर्स को मैंने कट कर लिया है, और ये जो साइड्स है कॉर्नर्स हमने निकाले इसको फेंकेंगे नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मेयोनीज, वेज मेयोनीज, जिसको हम ये इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो एक एक छोटा चम्मच इन ब्रेड पे हम लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे। तो मैंने दोनों ब्रेड पे वेज मेयोनीज लगा दिया है। अभी जो हमने टमाटर और काकड़ी जो काट के रखा है वो इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहे तो प्याज वगैरह भी ले सकते हो, प्याज है, बॉयल पटाटो है, वो भी आप ले सकते हो। इसके बाद खीरा रख देंगे, काकड़ी, चीज़ क्यूब लिया मैंने और छोटा सा ग्रेटर लिया, हैंड ग्रेटर, उससे चीज़ क्यूब को घिस देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। ये जो मैं आपको सैंडविच की रेसिपी बता रही हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली जो है रेसिपी है। अब जो दूसरा पोर्शन है ब्रेड का वो उसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे क्योंकि हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर ले लिया, आप चाहे तो छुरी से भी कर सकते हैं, नाइफ से। ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया और कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा सैंडविच हमारा बन के तैयार हो गया एक। अब एक प्लेट में इसको रख देंगे और बनाएंगे दूसरा सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने दूसरे दो स्लाइस ले लिए हैं। इसको सबसे पहले लगाएंगे बटर, सॉल्टेड बटर, दोनों ब्रेड पे लगा देंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे हरी चटनी, जो हम सैंडविच की चटनी हम रेडी करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी अपने वीडियो में डाल दूँगी, आप चाहें तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी। तो दूसरे ब्रेड पर भी लगा देंगे। अब जो चीज़ स्लाइस लिया है वो एक ब्रेड के ऊपर रख देंगे, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे टमाटो और क्यूकुम्बर, अगेन इसके में आप चाहते हो तो बॉयल पटाटो, प्याज वगैरह भी ले सकते हो। चाट मसाला ऊपर से छिड़क देंगे और जो दूसरा ब्रेड है उसको इस तरीके से रख देंगे और कट कर लेंगे जैसा मन चाहा आप कट कर सकते हो, स्क्वायर या ट्रायंगल जो भी है। तो मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी ट्रायंगल शेप में। देखिए हमारा जो दूसरा सैंडविच है वो भी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, इसको भी हम प्लेट में निकालेंगे। तो ये हमारा दो इजी और बिल्कुल अलग तरीके का सैंडविच बनके तैयार हो गया है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, स्नैक्स में ले सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो इस तरीके का सैंडविच बना के आप अपने मेहमानों को भी दे सकते हो, अगर कभी अचानक से मेहमान आ गया आपके घर पे तो। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।